जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि युवा कल्याण अधिकारी की जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, अब आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो लेनी पड़ेगी कि एक महीने में पेपर होगा, तो एक महीने में दोस्तों जल्दी से जल्दी कैसे क्रैक उसको कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों मैं पहले तो आपको शुरू करूँगा रीजनिंग से। रीजनिंग दोस्तों आपकी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो एक आप बेसिक स्टेप ले चलिए, आपको अरिहंत की किताब होगी, आप हल्का सा सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा आपके पास मोबाइल, मोबाइल में एक ऐप होता है अड्डा 24/7। दोस्तों आपको ये, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने इस्तेमाल किया तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, अड्डा 24/7 को इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों आपको उसमें एक विषयवार मिलेगा, विषयवार में आप दोस्तों रीजनिंग का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। रीजनिंग का सब्जेक्ट चूज करने के बाद दोस्तों आपको ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट मारना है। दोस्तों उसमें कुछ करिए ना, 25-25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट होते हैं, प्रैक्टिस सेट को 10-10 घंटे में मारने का रोज़ पर डे प्रयास कीजिए। दोस्तों पर डे आप बहुत ज़्यादा आधा घंटा में 3 दिन प्रैक्टिस सेट पर डे अगर मारेंगे दोस्तों, आपकी अच्छी खासी रीजनिंग हो जाएगी। दोस्तों गलत अटेम्प्ट ना कीजिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लोग लड़के गलती कर देते हैं, गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से आपकी माइनर मार्किंग बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों ये हुआ आपका 50 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए। रीजनिंग दोस्तों बहुत ही बेस्ट है, अड्डा 24/7 मैंने इस्तेमाल किया है तब मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लड़के सोच रहे हो कि मैं इनका प्रमोशन कर रहा हूँ, मुझे प्रमोशन से कोई चांस नहीं, अभी मैं नया चैनल खोला हूँ मैंने, तो इसलिए दोस्तों मुझे कोई प्रमोशन का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐप अच्छा है, आप इंस्टॉल कर लीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस सेट उससे मार के जरूर देखिएगा दोस्तों, उसका सॉल्व भी अच्छा आता है। दूसरा दोस्तों आपको सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आपको पता होगा तो 25 क्वेश्चन आएंगे, मान के चलिए 50 क्वेश्चन दिया है मैथ और ये जोड़ के, तो 25 क्वेश्चन इससे आने हुए हैं। मैं आपको आर ओ का पेपर मैंने दिखाया था आपको, आर ओ के पेपर में दोस्तों आपने देखा होगा 25 क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो दोस्तों सामान्य विज्ञान के पढ़ने अभी क्वेश्चन अभी पढ़ने शुरू कर दिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं और ज़्यादा मतलब कठिन भी नहीं होते इतना जितना टफ कहना चाहता हूँ, मॉडरेट रहते हैं, लेकिन लड़कों को गलती कर देते हैं और माइनस मार्किंग हो जाता है या गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी से रटना शुरू कर दीजिए, बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों सामान्य विज्ञान पीसीएस के लिए। तो पीसीएस के लायक नहीं, मतलब मैं कहना चाहूँ पीसीएस के लायक ना तैयारी कीजिए, लेकिन दोस्तों लेवल हल्का फूफी बराबर रखिए, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कठिन किताब नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छी किताब है और आसानी से उपलब्ध है। अगला दोस्तों मैं हिंदी के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों हिंदी कहीं से दूसरी जहाँ फाती नहीं है, हिंदी पुराने क्वेश्चन को उठा के देते हैं। तो दोस्तों पुराने क्वेश्चन का सबसे अच्छा संग्रह, अगर आपके पास लूफेंट है तो भी बेस्ट है, अगर लूफेंट नहीं है, आपने कोई किताब नहीं खरीदी, तो मैं दोस्तों आपको प्रीफर करूँगा वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, जो आदित्य पब्लिकेशन की दोस्तों बुक होती है, सबसे अच्छी बुक है सर दोस्तों। और इसमें फिर पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं और पुराने क्वेश्चनों को आप लगाइए मतलब पढ़िए, और उसमें देखिए लगातार इसमें देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सभी क्वेश्चन मतलब जो हैं विविध मतलब परीक्षाएं सब दोस्तों सब दिया हुआ है, सब इंक्लूड है इसी में। तो बस दोस्तों आपको फिर रटना है और फिर रटना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो और दोस्तों मैथ के लिए देखिए दोस्तों आपको अग्रवाल लगा लीजिए बहुत है, क्योंकि देखिए दोस्तों आप पुराना किताब उठा के देख लीजिए। वैसे मैं कल से शुरू करूँगा दोस्तों एक एक पेपर मतलब डालना, तो कल लगभग आप देखिएगा मैथ के बहुत ज़्यादा दोस्तों कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। और उसके बाद दोस्तों जीएस के लिए, तो दोस्तों जीएस के लिए मैं अभी आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता, क्योंकि कहाँ से जीएस पूछ ले कोई भरोसा नहीं दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो कुमला के दोस्तों अगर आपने लूफेंट पढ़ी है तो लूफेंट को आप दोबारा पढ़ लीजिए, लूफेंट सामान्य ज्ञान। और उसके बाद कोई दूसरी बुक एसएससी की अगर समसामयिक की आपकी घटना चक्र हो, किरण की घटना चक्र हो जीएस में, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये स्ट्रेटजी मुझे अच्छी लगी हो और मुझे फॉलो करना चाहते हो दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों इसको शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारा समूह जो है उसको मैं लंबा करना चाहता हूँ, कम से कम हमसे और कई लड़के जुड़े। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं।